आपने ओम शांति ओम का ये डायलॉग, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, जरूर सुना होगा। इसी को सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है, थॉट्स बिकम थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीबी में ही जीता रह जाऊंगा तो ये भी सच हो जाता है। शायद सुनने में ये चीज अजीब लगे, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं, और ये कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है, हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात इन शब्दों में कही है, हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप बनते भी है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस नियम को अपने जीवन पर लागू करने के लिए आपको किन चरणों से गुजरना होगा। जो आप सबसे अधिक सोचते हैं उसे आकर्षित कर लेते हैं। जो आप नहीं चाहते उसके बारे में न सोचें। अतीत की घटनाओं पर रुके न रहें। अगर आप सिर्फ खराब चीजों पर ही ध्यान लगाएंगे जो आपके साथ हुई है, या वो खराब चीजें जो आपके साथ हो सकती है, तो आपके साथ वही होने लगेगा जो आप नहीं चाहते। इससे आप बुरी परिस्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षण का नियम सिर्फ ये देख है कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। आकर्षक का नियम वो आपको देने लगता है। आप जो महसूस करते हैं वैसा ही सोचते भी है। ज्यादातर लोगों को ये बात समझने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। अगर आप अपनी बुरी भावनाओं को अच्छी भावना में बदलना नहीं जानते तो आकर्षण के नियम को लागू करना आपके लिए संभव नहीं होगा। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आपके विचार भी अच्छे हो जाएंगे और आपके साथ अच्छी चीजें होगी। लेकिन अगर आप बुरा महसूस करेंगे तो आपके विचार भी बुरे हो जाएंगे और आपके साथ भी बुरा ही होने लगेगा। अगर आप अच्छी और सकारात्मक भावनाओं को महसूस कर रहे हैं और आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो फिर भी आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाएंगे और उस खराब चीज को होने नहीं देंगे। कोई आपको इसका जवाब नहीं दे सकता कि आप अपनी भावनाओं को कैसे प्रभावित करके उन्हें सकारात्मक कर सकते हैं। इसका पता आपको अपने आप ही लगाना होगा। जिस तरह से आप महसूस करते हैं वही सब कुछ है। आकर्षण के नियम को लागू करने का मुख्य बिंदु यही है। अगर आपकी इच्छा स्वस्थ रहना है तो आपको स्वस्थ रहने के बारे में ही सोचना होगा। दूसरे से आप क्या चाहते हैं इस बारे में आप बात करें। सबकी दूसरों से कुछ अपेक्षाएं होती है। आप दूसरों से क्या चाहते हैं इस बारे में बात करना शुरू करें। दूसरों को अपने सपनों, अपने इच्छाओं और चाहतों में शामिल करें। इस तरह से बात करें कि जो आप चाहते हैं वो आपका होने ही वाला है या आपके अनुभव का एक हिस्सा है। मैं को याद रखें। हमेशा मैं को याद रखें। ये अभिव्यक्ति का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। अपनी कही बातों पर हमेशा जोर दें। आप जो चाहते हैं वो कहें। ये ना कहें कि आप उसे किस वजह से नहीं पा सकते। अगर आपकी इच्छाएं स्पष्ट होगी तभी वो पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगी। जो आप चाहते हैं उसकी ओर कदम बढ़ाएं। अगर आप अपने लिए एक बेहतर नौकरी चाहते हैं तो इस चाहत को केवल अपने मन तक ही सीमित न रखें। पूरी दुनिया को जान लेने दें कि आप क्या चाहते हैं। सक्रिय रूप से अपनी चाहत के लिए कोशिश करना शुरू कर दें। संपर्क बनाएं, उन्हें बताएं कि आपको नई नौकरी की तलाश है। अपने दोस्तों और परिवार को पता लगने दें आप क्या कर रहे हैं। जो आप चाहते हैं वो तभी होगा जब आप अपनी बात पर बने रहेंगे।
हमारी सोच शक्ति इतनी बेहतरीन होती है कि अगर आप चाहे तो आप कुछ भी पा सकते हैं। बस उसके लिए आपको हर सिचुएशन में अच्छा और पॉजिटिव सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। आप खुद इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में लागू करें और आपके एक्सपीरियंस को हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।